हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 आसाम पेपर से जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन आए हैं पार्ट बी के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ बी अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन इन गामा द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल। ये सर्कल दिया हुआ है जेड इक्वल टू टू, मतलब कि जो इसकी सर्कल की जो रेडियस होगी, सर्कल जो बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, टू। रेडियस होगी टू। देन इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हमें इस तरह का इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, टू पाई आईटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो देखिए एफ़ क्या दिया हुआ है, एफ़ एक नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है एंड गामा एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 2 है और सेंटर 0, 0 है। तो इस इंटीग्रेशन के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस इंटीग्रेशन को हम आई कंसीडर कर लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 है, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके फैक्टर करने पर जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 1 के। और फिर यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन 2 आयोटा एंड इंटू में 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा। तो देखो अब हमें किस किस वैल्यू पे निकालनी है रेजिड्यू, z इक्वल टू आयोटा एंड z इक्वल टू माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों इस सर्कल के अंदर लाई करेंगे। ये 2 है तो इसके अंदर प्लस आयोटा भी आएगा और माइनस आयोटा भी, तो दोनों पे हमें रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो फॉर्मूला भी हमने बताया था 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो पहले माइनस प्लस आयोटा पे रेजिड्यू निकालेंगे, फिर माइनस आयोटा पे, और फिर दोनों के सम करके 2 पाई आयोटा से इंटू कर देंगे, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आई है हमारा, इसमें पहले हम इनकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो ये किस तरह से आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, क्योंकि पाई तो पहले से है बाहर और 2 आयोटा यहाँ से, तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा डी जेड माइनस यहाँ से एफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा डी जेड। तो अब क्या करते हैं, इसको तो आई वन कंसिडर करते हैं और इसको आई टू कंसिडर करते हैं। अब आई वन की वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम, तो आई वन की इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे जेड इक्वल टू आयोटा पे। तो जेड इक्वल टू आयोटा पे रेजिड्यू निकालने के, ये भी देखो एक इंटीग्रेशन ही बन गया, तो इसका इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आयोटा इंटू इसका रेजिड्यू निकालेंगे तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा। तो जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो गया और यहाँ से वैल्यू आ गई 2 पाई आयोटा इंटू एफ आयोटा, यहाँ पे सेट के जगह आयोटा रखेंगे तो एफ आयोटा। फिर इसी तरह से ये जो आई टू है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास यही आ जाएगा, यहाँ पे सेट माइनस आयोटा आएगा। देखो जब आई टू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू लिमिट सेट टेंस टू माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा एफ सेट अपॉन जेड प्लस आयोटा। तो जेड प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये रेजिड्यू निकाल रहे हैं ना, तो और जेड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, तो बचेगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ माइनस आयोटा। अब आई के अंदर दोनों की वैल्यू रख देंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा एफ माइनस आयोटा। तो 2 पाई आयोटा कॉमन आके बाहर इस वाले 2 पाई आयोटा से कैंसिल हो जाएगा ये, तो वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ एफ आयोटा माइनस एफ माइनस आयोटा। तो यहाँ से अगर हम हमारा ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लाइज इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये पावर सीरीज दी हुई है 3z माइनस 2 आयोटा की पावर 3n। इस पावर सीरीज का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है हमें वो फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ये गिवन पावर सीरीज है, यहाँ से देखो अगर हम 3 को कॉमन लें तो 3 की पावर 3n बाहर आ जाएगा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा अपन 3 की पावर अपन 3 की पावर 3n। तो यहाँ से अगर हम इस an के लिए, इस an के लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे सुप्रीमम ऑफ 3 की पावर 3n और इसकी होल पावर क्या जाएगी, 1 अपॉन एन। तो यहाँ से 1 अपॉन आर की वैल्यू आ गई 3 की पावर 3, तो यहाँ से ये 1 अपॉन आर की वैल्यू आई है, तो आर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 3। अब देखो ये तो वैल्यू हमने किसकी फाइंड की, इसके लिए फाइंड की जब इसकी पावर क्या है, 3 है, जेड माइनस टू आयोटा अपन 3 की पावर 3 है, तो उसके लिए ही हमारे पास आर आई। तो जब इसकी पावर 1 होगी उसके लिए, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जेड माइनस टू आयोटा अपन 3, इसकी पावर 3 है तो ये लेस देन आर होगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपन 3 की पावर 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जेड माइनस टू आयोटा अपन 3 विच इज़ लेस देन 1 अपन 3। अगर ये 3 दोनों पावर दोनों तरफ से पावर कैंसिल कर देंगे 1 अपन 3 से अगर इंटू करके,
ठीक है, तो z माइनस टू एट अपॉन थ्री विच इज़ लेस देन 1/3, और ये देखो मोड में वैल्यू होती है, तो मोड में होती है इसका मतलब z माइनस टू एट अपॉन थ्री लेस देन 1/3 एंड z माइनस टू एट अपॉन थ्री लेस देन -1/3। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, -3 -1/3 एंड +1/3 ओपन इंटरवल। अब यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यही दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट डी इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1, यानी कि ये ओपन डिस्क दी हुई है, एंड एफ डी टू सी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन सच दैट मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन 1 ऑन डी। सपोज सेट एफ जीरो इक्वल टू 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू, देन हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसके लिए हम एक स्टेटमेंट जानते हैं मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का, इफ़ एफ सेड इज एनालिटिक ऑन डी देन मॉडुलस ऑफ एफ सेड मैक्सिमम ऑफ एफ सेड इज नेवर अटेंड इन साइड डी अनलेस एफ इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन अगर एनालिटिक है इस डिस्क डी के अंदर, तो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू इस डिस्क के अंदर तभी अटेंड करेगा जब फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है जीरो पे वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू, और ये सारे पॉइंट्स भी उस डिस्क के अंदर ही लाई करते हैं, तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि इन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू ये ही आएगी, जो जीरो पे वैल्यू आई है फंक्शन की वही इन सभी पॉइंट्स पे आएगी। तो देख लो जो भी मैच कर रहा है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड में क्या है 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू, तो फंक्शन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब डिस्क के अंदर मैक्सिमम वैल्यू उसकी अटेंड होगी, ये पॉइंट्स इस डिस्क के अंदर ही लाई करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी का। इसमें क्या पूछा है हमसे कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो एफ सेड है ये एच को जो अपर हाफ प्लेन है उसको अपर हाफ प्लेन पे ही मैप करेगा। एच अपर हाफ प्लेन दिया हुआ है यहाँ से ऐसे वाई ग्रेटर देन जीरो वाला, तो इसको ये बताना है हमें कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए, इस एफ सेड में ए की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे ही मैप करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट जानते हैं, इफ़ ए डी माइनस बी सी इज़ ग्रेटर देन जीरो देन जो टी जेड ये जो फंक्शन दिया हुआ होता है हमें ये अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे मैप करता है। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है इस तरह से, जहाँ पे टी जेड कोई फंक्शन किस तरह से हमें डिफाइन होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो ये हमारा एफ जेड इसी तरह से डिफाइन है, मैं देखो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है एंड डी की वैल्यू 1 है, और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे मैप करेगा फंक्शन कब, जब ए डी माइनस बी सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो बस ए डी माइनस बी सी ये वैल्यूज रख दो, यहाँ पे ए डी की वैल्यू हमारे पास 1 है माइनस 2 ए डी माइनस बी सी, तो बी की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से क्या आ गया ए माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ए माइनस 6 ग्रेटर देन 0 कब होगा, यहाँ से देखो जब हमारे पास वैल्यू है ए माइनस 6 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी फंक्शन एच जो एच को अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे ही मैप करेगा। तो यहाँ से किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 अगर रखेंगे तो नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन रॉन्ग, 3 रखेंगे तो नेगेटिव ऑप्शन रॉन्ग, 5 रखेंगे तो नेगेटिव ऑप्शन रॉन्ग, 7 रखेंगे तो 7 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा ना, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।